गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 1 अप्रैल 2020 से जो भी जीएसटी का बिल लेता है उसे बहुत बड़ा फायदा लॉटरी जो है वो लगने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी बिल के अंदर जो ये बेनिफिट्स देने वाली है गवर्नमेंट, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो ये है कि द लॉटरी स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू इनकरेज द कस्टमर्स टू टेक जीएसटी इनवॉइसेस। मैंने आज से एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जल्द ही एक स्कीम लॉन्च कर सकती है जिसके अंदर अगर आप जीएसटी का इनवॉइसेस लेते हैं एज अ कंज्यूमर तो आपके पास लॉटरी में अप्लाई करने का चांस रहेगा और अगर आप लकी रहे तो आपके पास जो है पैसे कमाने का भी जरिया हो सकता है जीएसटी का इनवॉइस। अब ये चीजें जो है लगभग तय हो चुकी हैं और 1/4/2020 से इस लॉटरी स्कीम को इंप्लीमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसके तहत होगा क्या कि अगर आप कोई कंज्यूमर है, मतलब अगर आप कोई इनवॉइस लेते हैं B2C कैटेगरी का, तो वो इनवॉइस आपके लिए एक तरीके से लॉटरी की टिकट के तरह काम करेगा। आप उसके अंदर लॉटरी खेल सकते हैं और उसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का कैश प्राइज जो है वो आपको मिल सकता है। पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगला पॉइंट जो निकल के आया है, द लॉटरी अमाउंट वुड बी बिटवीन ₹10 लाख टू ₹1 करोड़। इसमें जो प्राइजेस दिए जाएंगे वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि ये पैसे जो है वो आएंगे कहाँ से, तो इसका भी इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है कि ये पैसे कहाँ से निकल के आएंगे और कैसे ये पैसे जो है दिए जाएंगे विनर्स के अकाउंट में। द लॉटरी स्कीम वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल इनवॉइसेस ऑफ B2C कैटेगरी एंड नॉट ऑन B2B कैटेगरी। द कंज्यूमर टेकिंग द इनवॉइसेस फॉर पर्सनल यूज विल बी बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो निकल के आता वो ये था कि सपोज एक रजिस्टर्ड पर्सन है, एक दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से वो B2B का इनवॉइस परचेज करता है अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो उसका जो टैक्स अमाउंट है उसका तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो क्या वो B2B इनवॉइसेस का भी बेनिफिट इस लॉटरी स्कीम में दिया जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ B2C ट्रांजैक्शंस के लिए ही लागू होंगी। B2C ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई एक परचेज करा है जो कि आपके लिए वो बिजनेस पर्पस का नहीं है, वो आप एज अ कंज्यूमर खरीद रहे हैं, तो वो आपका जो B2C का कैटेगरी इनवॉइसेस है उसके लिए आप लॉटरी स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं, आप किसी किराने स्टोर पर जाते हैं अपने घर के लिए राशन पानी का बिल लेते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन उसी राशन पानी वाले बिल के अंदर अगर अपना GST नंबर डलवा देंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर B2C कैटेगरी के अंदर जो टैक्स इवेजन हुआ करता है उसको कर्व करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है ये मेथड होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करने जाएंगे जीएसटी पोर्टल के अंदर अपनी लॉटरी स्कीम के लिए तो आपको वो जो इनवॉइस है वो ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जब आप उस डेटा को अपलोड कर देंगे तो जो कंज्यूमर अपलोडेड डेटा है वो आपका जो सेलर है वो फिर छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस इस इनवॉइस नंबर से जो है वो ऑलरेडी इशूड है। अगर B2C के अंदर वो डिटेल्स नहीं मिलेंगी तो वहां पर जो है टैक्स इवेजन की चोरी बहुत हद तक कम हो जाएगी, जिसकी डिटेल्स अभी आगे आने वाली है। द इनवॉइसेस टेकन बाय द परचेजर विल हेल्प इन कर्विंग द टैक्स इवेजन एज द इनवॉइसेस नीड्स टू बी अपलोडेड ऑन अ डेडिकेटेड एप्लीकेशन और पोर्टल फॉर अप्लाइंग द लॉटरी। सपोज आपने अप्लाई करना है इस लॉटरी स्कीम में तो जो आपको इनवॉइस मिलेगा B2C इनवॉइस परचेजर के रूप में, उस इनवॉइस को आपको अपलोड करना होगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया जाएगा एंड्रॉइड बेस में भी और जो iOS का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी, और एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर ये सारे डिटेल्स जो है आपको अपलोड करनी होगी, और उसके अंदर जो डेटा आपको डालना है वो डालना है डेट ऑफ इनवॉइस, बिल नंबर क्या है आपका, कौन से पार्टी से आपने लिया, उसका GST नंबर क्या है, आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, आपका टैक्स अमाउंट कितना है, उन सारे इनवॉइसेस के अंदर जो भी डिटेल्स है बेसिक डिटेल्स वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे लकी ड्रॉ किया जाएगा और उसके बाद आपको प्राइजेस जो है वो दी जाएंगी। द ड्रॉ वुड बी डन ऑन मंथली बेसिस एंड स्टेट वाइज एंड इट विल हैव 1 बंपर प्राइज एंड 2nd एंड 3rd प्राइजेस। ये जो लॉटरी होगी ये हर राज्य के लिए लागू की जाएगी और हर एक स्टेट में हर महीने ये जो लॉटरी है
इसका जो ड्रॉ होगा वो हर महीने हर राज्य में होगा और इसके लिए तीन प्राइजेस होंगे। पहला होगा एक बम्पर प्राइज, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड प्राइज, तीन प्राइजेस जो हैं इसके लिए रखे जाएंगे। तो काफी अच्छा चांसेस है और काफी अच्छा ये स्कीम निकल के आ रहा है जो कि B2C कंज्यूमर्स हैं, और ये काफी अच्छा एक मेथड भी हो सकता है टैक्स इवेजन को कर्व करने का और परचेजर को इनकरेज करने का कि भैया आप GST का इनवॉइस ले ले ताकि टैक्स की चोरी जो है वो कम से कम हो जाए। तो यहां पर जो है ड्रॉ मंथली बेसिस पे तीन प्राइजेस के लिए किया जाएगा। देयर वुड बी नो थ्रेशहोल्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इनवॉइस वैल्यू टू बी टेकन फॉर दिस लॉटरी स्कीम। ये सबसे अच्छी खबर है, ये सबसे अच्छा रिलैक्सेशन है कि आप चाहे कितने का भी इनवॉइसेस ले रहे हैं कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं रखी गई है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 करोड़ रुपए तक का अगर लॉटरी जीतना है तो आपको 50,000 तक का इनवॉइस जो है B2C की कैटेगरी में परचेज करना ही होगा। ऐसा कोई भी थ्रेशहोल्ड, ऐसा कोई भी कंडीशन अभी तक नहीं लगाया गया है। चाहे वो किसी भी अमाउंट का इनवॉइस है आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बेनिफिट लेने के लिए आप उसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बाद में कोई ऐसी लिमिट लगाई जाती है तो अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। The GST Council in its next meeting on 14th March 2020 will decide the final layout of this lottery scheme. 14 मार्च 2020 को GST Council की अगली मीटिंग होनी है जिसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यू GST returns जो कि 1st April 2020 से प्लान्ड है इंप्लीमेंटेशन के लिए। उसी मीटिंग के अंदर ये लॉटरी स्कीम फॉर B2C ट्रांजैक्शंस जो है वो भी डिस्कस होना है और उसका जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, जो फाइनल लेआउट है वो भी निकल के आ सकता है कि कैसे इस सारी चीजों को फॉर्मलाइज किया जाएगा, कैसे इन सारी चीजों को रेगुलेट किया जाएगा, इसके लिए जो पोर्टल्स बनाए जाएंगे वो कैसे बनेंगे, कैसे अप्रूवल मिलेगी, सारी चीजें काउंसिल मीटिंग के बाद निकल के आ सकती है। द मनी फॉर द कंज्यूमर्स फंड मे बी यूज्ड फॉर गिविंग लॉटरी मनी टू द विनर्स अंडर दिस स्कीम। अब सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लॉटरी के पैसे हैं ये कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट ये लॉटरी आपको कहाँ से निकाल के देगी, पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया गया है जिसके अंदर एंटी प्रॉफिटेयरिंग से पैसा जमा होता है उस फंड का यूटिलाइज करके आपको जो है विनर्स के रूप में पैसा दिया जा सकता है। अगर आप उस लकी ड्रॉ के अंदर अप्रूव हो जाते हैं, उस लकी ड्रॉ में अगर आपका नाम आ जाता है, चाहे वो फर्स्ट प्राइज हो, सेकंड प्राइज हो, थर्ड प्राइज हो, जिस प्राइज के लिए आपका नाम आएगा वो प्राइज आपको दे दिया जाएगा एज अ कैश अमाउंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि लॉटरी स्कीम से रिलेटेड 1 अप्रैल 2020 के अंदर निकल के आ रही हैं, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है कि इनवॉइस लेना आप कितना फायदेमंद हो सकता है। 1 अप्रैल 2020 से पहले भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है वो कर लेने हैं जीएसटी से रिलेटेड, जिसकी डिटेल्ड वीडियोस आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आप मुझसे 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज मुझसे यूट्यूब में पूछना चाह सकते हैं या फिर लाइव सेशन के अंदर पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा ज्वाइन बटन जो दिया गया है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको GST से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, उसका जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है आप उस सेक्शन में जाकर के अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम जो है विदिन 48 आवर्स उसका रिप्लाई करेगी और आप उसके अंदर अपना डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और सब्जेक्ट मैटर के साथ जो क्वेरी है वो हमें भेज सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली कॉल पे रिप्लाई चाहते हैं तो आप उसके लिए पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसमें भी जाकर के संपर्क कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि 1 अप्रैल 2020 से GST बिल से क्या फायदा होगा और किस तरीके से उसका बेनिफिट जो है लिया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।